हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक आउट योर जीके बुक। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न द पेज नंबर 22। यस बेटा, ओके। सो लिसन, दिस इज पेज नंबर 22 ऑफ योर जीके बुक एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम प्लेसेस। यस, वेरी गुड। In this video, we will go to the market, है ना? ठीक है, हम एक टूर पे जाएंगे और वहाँ हमें जो जो चीज़ें मिलेंगी, जो जो प्लेसेस मिलेंगे, उन सब का नाम हम याद करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, आई एम झरना सक्सेना, योर मल्टीमीडिया टीचर। सो कम ऑन, लुक हेयर, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इन माई सिटी। इन माई सिटी कि आपके सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, आप जहाँ पे रहते हैं बेटा, वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपके घर के नियर बाय क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है और वो आपके घर के आसपास है या नहीं। ठीक है, वरना आपको परेशान होना पड़ेगा और बहुत दूर दूर सामान लेने जाना पड़ेगा, है ना? तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी सिटी में क्या क्या है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सो लुक हियर, टेक अ टूर ऑफ दिस सिटी मैप। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैप गिवन है एक सिटी का, इसका हमें टूर करना है, यहाँ पे घूमना है, यहाँ पे जाना है। यूजिंग द क्लू बॉक्स आइडेंटिफाई द प्लेसेस, और हमें क्लू बॉक्स दिया गया है यहाँ पे जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इन जगह को आइडेंटिफाई, इन जगह को आइडेंटिफाई करने में के लिए। ओके, तो लेट्स गो, अभी हम चलेंगे वन बाय वन। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम गए सबसे पहले हम यहाँ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रही है? सेल चल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, खाने का, पीने का, बहुत सारा सामान है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलती है, ये क्या है, ये कौन सी जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारा सामान अवेलेबल होता है? वो होती है मार्केट। बल्कि सिर्फ मार्केट नहीं, वो होती है सुपरमार्केट। ठीक है, तो स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी एरर थी, इसलिए मैंने दोबारा लिखी है, SUPER, सुपर, MARKET, मार्केट, सुपरमार्केट। ओके, सो वंस अगेन, फिर से देखिए, ये बहुत सारा सामान जहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे खाने का पीने का, वो होती है सुपर मार्केट्स होती हैं वो। ठीक है, तो SUPER, सुपर, MARKET, मार्केट। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से, वेरी गुड, यहाँ पर जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेन है जो कि उड़ रहा है। कैन यू सी दिस एरोप्लेन, है ना? अभी जो एरोप्लेन होते हैं बेटा, ये कहाँ से उड़ते हैं? ये एयरपोर्ट से उड़ते हैं। आपको पता है ना कि ये जो एरोप्लेन होता है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने आंसर बोला वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ, तो एरोप्लेन इज अ एयर ट्रांसपोर्ट, है ना? तो उसी से मिलता जुलता इसका नाम बनाया गया है, एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये कौन सा प्लेस है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ना? एयरपोर्ट, AIR, एयर, POR T, पोर्ट। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, वेरी गुड। दिस इज व्हाट, कैन यू सी दिस लेटर बॉक्स? लेटर बॉक्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे हम अपना लेटर लिख करके ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो हमें जहाँ पे पहुँचाना हो वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये काम कहाँ पे होता है? पोस्ट ऑफिस में। यस, वेरी गुड, दिस इज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो हमारी पोस्ट होती है वो हम छोड़ कर आते हैं और वहाँ से पोस्टमैन उसको जहाँ वो पोस्ट भेजनी होती है वहाँ पर जाकर दे कर आते हैं। तो दिस इज पोस्ट ऑफिस, POST, पोस्ट, OFFICE, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद हम चलते हैं, हमें रास्ते में पहले क्या मिला था? एक सुपरमार्केट मिली, फिर हम जा रहे थे तो हमें एक एयरपोर्ट मिला, फिर हम जब जा रहे थे वहाँ पे पोस्ट ऑफिस मिला। अब हम आएंगे 4 नंबर पे, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? एक प्लस का साइन, एक एम्बुलेंस खड़ी है,
प्लस का साइन लगा है. एंड दिस इज अ हॉस्पिटल. वेरी गुड. अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा इसका हिंदी वर्ड कौन बताएगा? हिंदी वर्ड हॉस्पिटल को हिंदी में कहते हैं. वेल डन. वेल डन बच्चों. अस्पताल. हाँ, जब किसी की तबीयत खराब होती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको कहाँ लेकर के जाते हैं? वी गो टू द हॉस्पिटल. वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ हॉस्पिटल. Now come here. After this, after the hospital, we will go to petrol pump. Yes, very good. Can you see this tank? यहाँ पे एक पाइप लगा होगी तो आप हमेशा गए होगे इस जगह पे. आपके फादर के साथ, आपके अंकल के साथ, आपके ब्रदर के साथ या आपकी सिस्टर के साथ, आपकी मदर के साथ, आप हमेशा पेट्रोल पंप पे जाते होंगे स्कूटी में या बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए, है ना? तो ये क्या होता है, पेट्रोल पंप, जहाँ पे पेट्रोल भरा जाता है. फिर हम आएंगे आपके यहाँ. वेरी गुड. यहाँ पे क्या है, एक फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है और यहाँ पे कुछ बना भी है. दिखाती हूँ मैं आपको जूम करके. यस, यहाँ पे फायर का सिंबल बना हुआ है, आग लगने का. इसका मतलब अगर आग लग जाएगी कहीं पे तो हम इनकी हेल्प लेंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे. ये तो इसका नाम है, उसी से मिलता जुलता है, फायर स्टेशन. फायर स्टेशन, जब कहीं पे आग लगती है तो हम फायर स्टेशन को कॉल करते हैं. वो अपने मैन को लेके, फायरमैन को लेके फायर ब्रिगेड में बैठ के हमारे तरफ आते हैं और आग को बुझा देते हैं. उसके बाद हमें मिलता है बेटा ये 7 नंबर पे. यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस की टोपी भी है. इसका मतलब पुलिस बैठती है और जहाँ पे पुलिस बैठती है वो क्या होता है, दैट इज अ पुलिस स्टेशन. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में क्या होता है बेटा, पुलिस स्टेशन में आपके जो थीव होते हैं, जो रॉबर्स होते हैं, चोर, ठीक है, जो डकैत होते हैं, चोर होते हैं, जो चोरी कर लेते हैं, या जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं, ठीक है, उन सबको पकड़ के लॉकर में डाल देते हैं. जो गंदी बातें करते हैं उनको भी, ठीक है, जो शैतानी करते हैं उनको भी लॉकर के अंदर बंद कर देते हैं, है ना? तो ये कौन सी जगह होती है, पुलिस स्टेशन. POLICE पुलिस, STATION स्टेशन. उसके बाद हमें रास्ते में मिलता है, ओहो दिस इज माय फेवरेट, हियर्स अ ट्रेन. लुक एट द ट्रेन. ठीक है, ट्रेन आ रही है यहाँ पे. अब ट्रेन कहाँ पे आती है, रेलवे स्टेशन. वेरी गुड. RAI रे, L रेल, WAY वे, रेलवे स्टेशन. STATION स्टेशन, रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में क्या होती है, ट्रेन आकर के रुकती है. उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे. वेरी गुड. और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कौन सी प्लेस है ये, यहाँ पे बहुत सारे पैसे रखे हैं और यहाँ कैशियर है जो हमारे पैसे लेगा, गिनेगा, काउंट करेगा, और एक कंप्यूटर भी है इसके पास, उस पर नोट करेगा, रजिस्टर भी है उसमें भी नोट कर लेगा. तो दिस इज अ बैंक. ये कौन सी जगह है, बैंक, जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, जहाँ हम अपने पैसे जमा करते हैं या फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ से पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं. तो ये सारा काम जो होता है वो बैंक का होता है. अगर हमारे घर में बहुत सारे पैसे हैं और हमें उसको सेफ करके कहीं पर रखना है तो हम बैंक में ही तो रखेंगे, बैंक में सबमिट कर देंगे, और अगर हमें कभी रुपए चाहिए हुए तो हम जाके बैंक से ले आएंगे, ठीक है. तो ये सारा काम होता है बैंक का. ओके, तो अब आपको समझ में आ गया. तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से चलते हैं इस मार्केट को, एक बार फिर से घूमेंगे. सबसे पहले हम गए सुपर मार्केट,
वहाँ से हमने बहुत सारा सामान लिया। उसके बाद हम गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे हमारी मामी जी आई थी, उनसे मिल करके आए हैं मामी जी से, और उनको अमेरिका भेज दिया, बाय कराए उनको। एयरपोर्ट जाने के बाद हम आ गए यहाँ पोस्ट ऑफिस। हमें हमारी मौसी को चिट्ठी भेजनी थी, पोस्ट ऑफिस में हमने पोस्ट डाल दी, पोस्टमैन ले जाएगा। उसके बाद हम गिर गए, हमारे चोट लग गई, तो हमने बैंडेज करवा ली हॉस्पिटल में जाके। हॉस्पिटल में जाके हमने बैंडेज लगवा लिया। उसके बाद हमारी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो हमने पेट्रोल पड़वाया, ठीक है। उसके बाद हम आए तो हमने देखा कि एक जगह आग लग गई थी, तो हमने फायर स्टेशन वालों को बताया कि वहाँ पे जाके आग को बुझाइए। उसके बाद हमने चोरों को आते हुए देखा, फिर हमने पुलिस स्टेशन में बताया कि वहाँ पे चोर आ गए हैं, उनकी रिपोर्ट लिखिए। उसके बाद हमने ट्रेन को देखा, सुंदर सी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे थी। उसके बाद हमें अपने पैसे जमा करने थे, तो हम बैंक में चले गए, ठीक है। कितना अच्छा एक जर्नी था, कितना अच्छा टूर था, कितना मज़ा आया। किस किस को मज़ा आया? सबको मज़ा आया, वेरी गुड। तो आपको इसी तरीके से इन प्लेसेस का नाम पर्टिकुलर जगह पर लिखना है। स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो तो आपको क्लू बॉक्स की हेल्प लेनी है, ओके। बाय चिल्ड्रन, इतनी थी ये वीडियो, और आपको अच्छे से लर्न भी करना है ये, ठीक है। बाय एवरीवन।